वैसे तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, लेकिन उड़िया भाषा की विलंका रामायण के अनुसार हनुमान जी की मृत्यु हुई थी। इसमें बताया गया है कि एक बार विलंका राक्षस राज सहसरा से युद्ध करने भगवान श्री राम विलंका गए थे। वहां भगवान श्री राम को राक्षसों में बंदी बना लिया था। कई दिनों तक भगवान श्री राम के वापस न आने पर माता सीता ने हनुमान जी को श्री राम की खोज करने के लिए विलंका भेजा। भगवान श्री राम की खोज में हनुमान जी विलंका पहुँचे। विलंका में द्वार के पास एक तालाब था। इस तालाब में स्वच्छ जल था, लेकिन इस तालाब की एक खासियत थी कि कोई शत्रु अगर राज्य का अहित करने के मकसद से वहां आता है तो वह जल जहर बन जाता था। मुख्य द्वार पर एक राक्षसी का पहरा था जो शत्रुओं को पहचानकर उनकी हत्या कर देती थी। हनुमान जी के वहां पहुंचने पर राक्षसी को समझ आ गया कि यह कोई शत्रु है, तो वह अपना शरीर छोटा करके हनुमान जी के कंठ में जाकर बैठ जाती है। इस कारण हनुमान जी को बहुत तेज प्यास लगने लगती है। प्यास लगने के कारण हनुमान जी उस तालाब का जल पीने लगते हैं। जैसे ही वह जल पीते हैं वैसे ही हनुमान जी की मृत्यु हो जाती है। कई दिन बीत जाने पर जब भगवान श्री राम और हनुमान जी का कुछ पता नहीं चलता है तो देवता पवन देव से पूछते हैं कि आपका पुत्र कहाँ है। तब बृहस्पति देव पता लगाकर बताते हैं कि हनुमान जी की विलंका में मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद सभी देवता गण हनुमान जी को संजीवनी और अमृत के द्वारा जीवित करते हैं। हनुमान जी 6 महीने के बाद मृत्यु की गोद से वापस आ जाते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक कथाओं को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।